श्रीमान, रेलवे तो पिछड़े देश के लिए एक विकास का साधन है, अगर उसी में गड़बड़ चलेगी तो देश का विकास नहीं होगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। जहाँ तक पिछड़े क्षेत्रों का सवाल है, उसमें मैंने मंत्री जी से इसी सदन में आग्रह किया था कि बिहार में वैशाली एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ के विदेशी पर्यटक लोग भी जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई रेल लाइन नहीं गई है जहाँ पर्यटक के ठहरने की भी व्यवस्था हो जाए। अगर उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए और रेल की पटरी वहाँ तक बिछाई जाए तो उससे इस सरकार को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी और पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास भी होगा। इसी तरह हाजीपुर से समस्तीपुर अगर रेल की पटरी बिछाई जाए तो वहाँ का जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसका विकास होगा और वे लोग खुशहाल होंगे और उनकी तरक्की होगी। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि वे इस ओर भी ध्यान दें। दूसरी तरफ 1973 के पाँचवें महीने में 19 तारीख को मैंने रेल मंत्री जी से मिलकर एक स्मरण पत्र दिया था। हमारे एक साथी जो शहीद हो गए थे आज़ादी के आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में, उनके नाम पर हमने आग्रह किया था कि उस स्टेशन का नाम बदल कर शहीद नगर कर दिया जाए। उस स्मरण पत्र पर 20 विधायकों और संसद सदस्यों के भी हस्ताक्षर हैं और उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री की अनुशंसा भी थी इस काम को किया जाए। तो मैं मंत्री जी से चाहूँगा कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है वह बताएं और इस संबंध में विचार करें। मान्यवर, जहाँ तक इस विधेयक के द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव है, मैं समझता हूँ कि वह ठीक है, लेकिन उस धनराशि को एकत्रित करने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका विरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि रेलवे का संचालन सरकार जिस प्रकार से कर रही है वह मान्यवर किसी तरह से भी प्रशंसनीय नहीं है। बराबर उसमें घाटा बढ़ता जा रहा है और उसकी अक्षमता बढ़ती चली जा रही है। कर्मचारियों के वेतन, उनकी सुविधाएं, उनके सुख, उनके रहन सहन का स्तर, उनका देयमान, अनेक प्रकार की सुविधाएं भारत के करोड़ों गरीब निवासियों के मुकाबले बराबर बढ़ती चली जा रही हैं और उनकी जो कार्य क्षमता है वह बराबर गिरती जा रही है। आज रेलवे का प्रशासन अक्षम्य, ऐसा निकम्मा हो गया है कि मैं चाहता हूँ कि आज देश में शायद ही कोई रेलगाड़ी अपने समय से चलती है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है। मंत्री जी की कठिनाई यह है कि वे कांग्रेस दल के संचालन में बड़ा सहयोग देते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं भी करता हूँ, लेकिन उनकी जो कार्यक्षमता है वह दिखाई देती है रेलवे के उपभोक्ताओं से। उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, दुर्घटनाओं में भी रोज़ बरोज़ वृद्धि हो रही है, इसकी चिंता नहीं। पैरा चेंज। महोदय, जहाँ तक विकास कार्यक्रमों का संबंध है, हाल ही में विद्युत चलित संयंत्र और गैर सरकारी तथा सरकारी रूप से नलकूप लगाने के कार्यों में काफ़ी प्रगति हुई है। इस नवगठित भूमिगत जल बोर्ड पर यह जिम्मेदारी डाली गई है जिसका कार्यक्षेत्र नलकूप संगठन से अधिक विस्तृत है। उक्त बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के एक विशेष क्षेत्र में भूमिगत जल की मात्रा का मूल्यांकन और सर्वेक्षण करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है। अध्यक्ष महोदय, देश की खाद्य स्थिति में सुधार करने के लिए इस वर्ष भारत की केंद्रीय सरकार ने जो प्रयत्न किए उन प्रयत्नों की मैं सराहना करता हूँ और देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
इस देश को अनाज के मामले में 1970 से 71 तक आत्मनिर्भर बनाने का हमने निश्चय किया है और आत्मनिर्भरता के लिए 12 करोड़ टन अनाज वार्षिक पैदा करने का लक्ष्य रखा है और अगले 4 वर्षों में उसको पूरा कर इस वर्ष अच्छी उपज आ जाएगी, ऐसा लक्ष्य था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सर्दी की वर्षा आशा के अनुरूप न होने से पहले अनुमान के अनुरूप बहुत अच्छी फसल न हो सकेगी। अधिक उत्पादन के पूर्व अनुमान जो किए गए थे उसको आधार बनाकर अब प्रोक्योरमेंट की योजना तैयार नहीं हो सकती। महाराष्ट्र जहां से मैं आया हूं, उस महाराष्ट्र में अनाज की काफ़ी पैदावार होगी ऐसा ख्याल था, लेकिन वर्षा के न होने से वहां भी अनाज का उत्पादन कम होगा और कई ऐसे ज़िले व गांव हैं कि जहां आज अनाज की बहुत कमी है। इसीलिए प्रोक्योरमेंट का जो लक्ष्य रखा गया था वह पूरा नहीं होगा और इसीलिए यह ख्याल है कि महाराष्ट्र राज्य को जनता अनाज के बारे में सप्लाई करने का जो लक्ष्य था वह बढ़ाना पड़ेगा। बहुत से प्रयत्न अनाज में आत्मनिर्भरता के लिए हो रहे हैं, उसमें अधिक उत्पादन आपको करना पड़ेगा और उसके लिए सुधरे हुए बीज, कृषि मशीनें, उर्वरक, सिंचाई, कृषि के लिए ऋण देना और भूमि सुधार आदि ऐसे कई उपाय कहे गए। मैं सिर्फ उसमें से सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह है मूल्य नीति। अनाज के बारे में जो मूल्य नीति है वह कैसी हो, मैं बराबर यह देखता हूँ कि अनाज के बारे में कोई मूल्य नीति नहीं है और जो है वह नीति उपभोक्ता जिसको कहते हैं उसके हित की है, किसान के हित की नहीं है। इस संसद में श्री राम सेवक यादव और कई ऐसे अपने उधर के सदस्यों ने एक प्रस्ताव रखा था और उसमें सरकार से मांग की गई थी कि अनाज की जो पैदावार है उसका मूल्य लाभकारक हो। लाभकारक ही नहीं बल्कि उसको उत्साहदायक भी हो। इस तरह से एक प्रस्ताव भी वहां से पास हुआ, सरकार ने उसे मान लिया। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन मूल्य निश्चित करना चाहिए, इससे किसानों को उनका उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा और वे अधिक अन्न पैदा कर सकेंगे, इसके लिए प्रोत्साहित होंगे।